हाथ घुटनों पर रखेंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। पहले धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालें, पेट को आगे करें, धीरे धीरे गहरा श्वास भरें कंठ तक, और अब शक्ति से श्वास को बाहर फेंकना है। सिर्फ श्वास लेने का प्रयास नहीं करना। इसको हम एक मिनट करेंगे, एक मिनट में 60 बार हो जाता है, गिनकर आप स्वयं गिने। शक्ति से श्वास को बाहर फेंकते जाएं, आवाज होगी, पेट भी हमारा आगे पीछे होगा, प्रयास करें, कंधे ना हिले। बाहर निकालें, पेट को अंदर करें, ठोड़ी को गले से लगाएं, मूल बंद लगा हुआ, पेट को अंदर करना, उड्डयन बंद, ठोड़ी को गले से लगाना, जलंधर बंद, तीनों बंद की स्थिति, बात पित्त कफ, तीनों तरह के दोष दूर हो रहे हैं, महाबंद। हमने अपने सब पूरे उसको शरीर को कंट्रोल में करा हुआ है। पेट को आगे करें, थोड़ी को ऊपर करें, गहरा श्वास भरें, फिर से नाभि को रीढ़ से लगाएं, थोड़ी को गले से लगाएं, रुकें, जितना हमने पहले किया था उससे आधे समय का दूसरा बंद। पेट को आगे करें, थोड़ी को ऊपर करें, श्वास को सामान्य करें, इसी स्थिति में थोड़ी देर बैठें, भाव ना बदलने पाए। जैसे कि हम श्वास भर के रुकते हैं उसको हम बोलते हैं आंतरिक कुंभक, बाहर निकाल कर रुकते हैं उसको बाह्य कुंभक, और इस समय ये हम कैवल्य कुंभक की स्थिति में हैं। कैवल्य कुंभक का मतलब ये है कि इस समय ना हमें श्वास लेने की आवश्यकता लग रही है ना छोड़ने की। मन बहुत शांत है, कोई कोलाहल नहीं है, ये हमारी ध्यान की स्थिति बन जाती है। एकदम से हम ध्यान में बैठना चाहें, विचारों का झंझावात हमको नहीं ध्यान में लगने देता। प्राणायाम के बाद हम इजीली बहुत आराम से प्राणायाम कर सकते हैं, आप ध्यान में बैठ सकते हैं। ये आनंद की स्थिति है, इस आनंद की स्थिति को प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करें, इस आनंद का अनुभव करें। कितना हमें आनंद आ रहा है, हमने अपने शरीर को, अपने मन को शरीर के अंदर कर लिया है। प्राणायाम के द्वारा मन हमारे कंट्रोल में आ जाता है। ज्ञान मुद्रा में हाथ ले आएंगे, श्वास को सामान्य करें, करेंगे भ्रामरी, अंगूठे कान में, दो उंगली आंखों पर, दो उंगली मुंह पर, नासिका से श्वास लेंगे और ओम का सा गुंजन करते हुए भ्रमर की सी आवाज में, भौरे जैसी आवाज में गुंजन करेंगे, श्वास भरेंगे और श्वास को बाहर निकालेंगे ओम की गुंजन द्वारा, 5 बार करेंगे।
शांत हाथ की मुद्रा में